हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ्स विद शिवांगी नागर आज के वीडियो में हम लोग एक से थर्टीन को कंटिन्यू करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स से स्टार्ट करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर सिक्स फॉर द क्वेश्चन नंबर सिक्स सेज अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 थाउजेंड रिक्वायर्स वन फिफ्टी ऑफ वाटर पर हेड पर डे ठीक है एक विलेज है ठीक है जिसमें आपको क्या दिया हुआ है Population दिया हुआ है टोटल थाउजेंड एंड पर हेड पर डे मतलब एक दिन में एक इंसान को कितना पानी चाहिए होता है वन फिफ्टी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड इफ इट हैज अ टैंक मेजरिंग ट्वेंटी मीटर फिफ्टीन मीटर एंड सिक्स मीटर

यूज uh, हो सकता है फॉर हाउ लॉन्ग दिस वॉटर इन दिस टैंक विल लास्ट तो ये हमको फाइंड आउट करना है तो so, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आपका इस टाइप का क्यूबॉडल शेप का टैंक है ठीक है अब हमसे मेन जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है वी आर आज ओवर हेयर दैट फॉर हाउ मेनी डेज विल द वॉटर टैंक ऑफ विल द वॉटर ऑफ दिस टैंक लास्ट कितने टाइम तक ये रहेगा तो कैन आई से The number of days the number of days water will last is equal to the volume of tank divided by volume of water volume of वॉटर रिक्वायर्ड पर डे अगर हम जितना कैपेसिटी है टैंक का ठीक है वो कैपेसिटी निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ टैंक आ जाएगा ठीक है उसमें अगर उस 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 डेटा को अगर हम एक दिन में पानी का कितना रिक्वायरमेंट है ठीक है वन डे के अगर उससे डिवाइड कर देंगे सो वी विल गेट कि कितने दिन के लिए वो पानी यूज में आ सकता है राइट right? तो अब हमें यहाँ पे यानी कि दो चीजें क्या फाइंड आउट करनी है सो वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द टैंक एंड दॉल्यूम ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड पर डे तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे वॉल्यूम 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 ऑफ 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 टैंक 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 ठीक है किससे आएगा एल इंटू बी इंटू एच से आएगा ठीक है एल की वैल्यू आपके पास है ट्वेंटी बी की वैल्यू है आपके पास फिफ्टीन एंड एच की वैल्यू है आपके पास तो तो so 90. 90 को जब आप 20 से करेंगे, तो you will get 1800 meter cube. So ये आपके पास क्या आ गया वॉल्यूम आ गया अब हमें क्या निकालना है कि वन डे में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर होता है ठीक है तो देखो पर हेड कितना है so वन डे कितना है आपको गिवन है इट इज वॉट वन फिफ्टी लीटर तो ऐसी कितनी पॉपुलेशन है फोर थाउजेंड पॉपुलेशन है ठीक है तो पर हेड पर डे कितना लीटर्स ऑफ वाटर सो वी आर रिक्वायर्ड वन फिफ्टी लीटर्स ऑफ वाटर सो फोर थाउजेंड परसन यूज वाटर पर डे तो वो जो 4000 की पॉपुलेशन है वो पर डे में कितना पानी यूज कर रही है सो इट इज 150 फिफ्टी इंटू ऐसे ही आएगा अब ये जो हमारे पास आया डेटा ठीक है ये क्या आया हमारे पास टोटल हमारा कितना आया लीटर्स में वाटर आया कि इतना पर डे यूज हो रहा है ठीक है तो अगर आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट क्या करें इसको सो वी नो दैट 1 m3 इज इक्वल्स टू 1000 लीटर तो so, अगर हमें 1 लीटर को कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा 1 अपॉन 1000 से डिवाइड करना होगा उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए राइट तो यानी कि अगर इस डेटा को अगर हम किससे डिवाइड कर दें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो विल बी एबल टू गेट द आंसर यस वी विल बी एबल टू गेट द आंसर सो हमने क्या किया 4000 को इस 150 से मल्टीप्लाई किया और जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे ठीक है 1 लीटर को मीटर क्यूब में डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी विल बी गेटिंग हियर इस पूरे डेटा को आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए सो so, 150 4000 डिवाइडेड बाय 1000 ठीक है 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुआ सो व्हाट वी विल बी गेटिंग हियर

Will last is what थिंग बट वॉल्यूम दैट मीन्स एटीन हंड्रेड अपॉन zero se तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हुआ 16 cancel, 18 how many times three times so answer is what three days तो so, यानी कि ये जो टैंक है इसमें अगर एक बार पानी अगर आप पूरा फिल करके रख दो ठीक है तो वो उस पर्टिकुलर विलेज के लोगों के लिए कितने दिन तक काम आ जाता है For a good three days. Matlab, after every three days, we need to fill that tank. So, this is what all about in this question. Mark this question very, very important. This question examination point of view important. Hai, hai? So, if you like my video, give me a thumbs up, do share with your friends, and still, if you have not subscribed my channel, do subscribe and press the bell icon also so that you will never miss any of my updates and the videos. See you in my next video with the next question solution that is question number.